वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ के हवाई सर्वे पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि उनका हवाई सर्वे होता है और जहां पर जरूरत होती है वहां जाते नहीं है। जहां बाढ़ प्रभावित लोगों को रखा गया है वहां पर जाए, लोगों को राहत सामग्री पहुंचाए। कमलनाथ सिर्फ हवाई सर्वे की करेंगे और इसके अलावा कुछ नहीं करते। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जारी कमलनाथ के संदेश पर भी निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि कमलनाथ को 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर बोलने का अधिकार किसने दिया और 14 अगस्त को विभाजन का दिन है और उसी दिन देश का विभाजन हुआ था और वे उसी दिन प्रदेश की जनता को संबोधित कर रहे थे। कमलनाथ ने कहा कि देश को भाजपा की नजर लग गई है और जिस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जिस तरीके से पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस जो अपने भाव में नेता है, हवाई सर्वे ही करेंगे। पूरी कांग्रेस सड़क पे पड़ी है, धरातल पे पड़ी है, वो सर्वे कर रहे हैं। जहां कुछ नहीं बचा है वहां सर्वे करने जा रहे हैं। कायदे से वर्तमान में अतिवृष्टि है, कई जगह पर नदियां उफान पर हैं, बाढ़ के हालात हैं, वहां जाएं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लगाएं जिससे जनता की सेवा हो सके। पर ऐसा कुछ करते नहीं है, चाहे कोरोना का काल आए, बाढ़ आए, चाहे सूखा आए, आपदा आए, सेवा से मतलब नहीं है, सिर्फ राजनीति से मतलब रह गया है कांग्रेस को। सिर्फ नजर लगी है कांग्रेस को, न देश खतरे में, न संविधान खतरे में, खतरे में कांग्रेस है। अब ये कांग्रेस के अपने जो भाव हैं इनके, ये भाव को देश के नाम पे और प्रदेश के नाम पर ये तिरोहित करते हैं। ऐसा संबोधन जैसा कमलनाथ जी ने दिया है, स्टेट इंडिया कंपनी और गुलामी की ओर और किसकी नजर लगी, अब ये सारी बातें पूरी की पूरी कांग्रेस पर लागू हो रही है। लेकिन दे दिया उनने, आपके द्वारा ये भाषण संज्ञान में आया है और ये संबोधन मेरी समझ में तो ठीक नहीं है देश के नाम पर। किस हैसियत से दे दिया आपने, वो भी 14 तारीख को, विभाजन की त्रासदी का दिन है 14 तारीख, आजादी का दिन नहीं है 14 तारीख।